हेलो एवरीवन, आज के दिन में निफ्टी करीब करीब 180 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है और वहीं पे निफ्टी बैंक में करीब करीब 400 पॉइंट की कमजोरी देखने को मिला है। अगर हम देखें निफ्टी ने अपना जो पहला सपोर्ट था 17,150 के आसपास उससे नीचे क्लोजिंग दिया है और बैंक निफ्टी भी करीब करीब 36,100 के नीचे का क्लोजिंग दिया है। बट ये जो रीजन ऑफ ये जो फॉल है, अगर हम देखें इसमें मेन जो रीजन है वो है जो रसिया और यूक्रेन के वार को लेकर अनसर्टेनिटी है, उसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है और उसके वजह से पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा कमजोरी देखने को मिला है। एंड द राइज इन क्रूड प्राइस हैज अफेक्टेड द स्टॉक्स द मोस्ट, क्योंकि उसके वजह से जैसे हमने पहले भी बताया था कि अगर क्रूड प्राइस में इंक्रीमेंट होगा डेफिनेटली सारे के सारे कंपनीज के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो इंपैक्टेड रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखें इंडियन मार्केट में भी पिछले हफ्ते हमने देखा कि काफी सारे जगहों पे पेट्रोल और डीजल प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिला है फॉर द लार्ज कमर्शियल यूजर्स। तो अगर वही जो चार्जेस है अगर ये रिटेल को पास ऑन हो जाता है तो बाकी कंपनीज के लिए भी काफी हद तक ऑपरेटिंग मार्जिन में इंपैक्ट आएगा। तो ये दोनों मेन रीजन है जहां पे कि आज मार्केट फॉल हुआ है। और हमने सुबह भी बताया था और हमने अपना एक कॉशस स्टैंड रखा था कि आज के लिए निफ्टी में शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि इतने दिनों से निफ्टी बहुत की तेजी के साथ चल चुका है। अगर आज के लिए सेक्टरली देखें तो सेक्टरली सबसे ज्यादा दबाव शायद बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला और बाकी सारे के सारे इंडेक्सेस नेगेटिव क्लोज हुए हैं एक्सेप्ट मेटल। एक ही मात्र सेगमेंट है जो कि पॉजिटिव क्लोज हुआ है, फार्मा और आईटी करीब करीब फ्लैट क्लोज हुए हैं। वहीं पे अगर हम मार्केट ब्रेथ को देखें तो स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्सेस ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुए हैं, जहां पे स्मॉल कैप में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिला और मिड कैप में स्लाइटली नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला। तो आगे के लिए हमें अपना रुझान पॉजिटिव ही रखना है। हमें लगता है कि मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट हडल रहेगा 17,500 के आसपास। जब तक मार्केट 17,500 के ऊपर नहीं जाता और उसपे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक 18,000 या 16,900 अचीव करना मुश्किल रहेगा। इसलिए आज के दिन में जो निफ्टी का बेस रहेगा वो रहेगा 16,800 के आसपास और हायर साइड में 17,500 के आसपास। इसी रेंज में ये पूरा महीना भी हो सकता है कि निफ्टी ट्रेड करे। तो आपको ये सारे के सारे जो वोलेटिलिटी है उस पे अपॉर्चुनिटीज लेके आपको ट्रेड करना है। जैसे अगर निफ्टी 16,800 के आसपास आ जाता है तो आप लॉन्ग साइड पे कॉल लीजिए और वहीं पे जैसे ही निफ्टी 16,500 के आसपास जाता है आप शॉर्ट साइड पे ट्रेड्स ले सकते हैं। बट आप आपके रिस्क के हिसाब से ट्रेड ले एंड टेक ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एडवाइस बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन टू कंपनीज। जैसे आज हमने देखा बैंकिंग में काफी सारे स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिला, इंफ्रा में कंपनीज लाइक L&T IRB में बिकवाली देखने को मिला और ये दोनों स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में है, हम इसको रेगुलर बेसिस पे एवरेज करते रहते हैं। तो ऐसे कंपनी में आप अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर बेसिस पे अगर एवरेज करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अर्न वेरी गुड रिटर्न इन कमिंग क्वार्टर्स। प्रोबेबली ये जो वोलेटिलिटी है इट मे कंटिन्यू फॉर अनदर 1-2 क्वार्टर्स, बट 2-3 क्वार्टर्स के बाद आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स और रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कीप ए पॉजिटिव बायस ऑन योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड होल्ड योर इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म टू गेन द मैक्सिमम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो इट इज अ वेरी गुड टाइम टू बिल्ड पोर्टफोलियोज, यू कैन विजिट आवर ऐप पिकराइट एंड बिल्ड योर पोर्टफोलियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।